ये चरण पकड़ के बैठ गई। गुरु ख्याल करो मुझे दासी का। ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए पार्वती मैया ने और कहने लगी कि चरण पकड़ के बैठ गई, गुरु ख्याल करो मुझ दासी का। रब है भंजन शिव अलख निरंजन मन खटका से अविनाशी का। चरण पकड़ के बैठ गई, गुरु ख्याल करो मुझ दासी का। शिवालक निरंजन मन खटका सह भी ना सीगा। उस भोले का न जाना उसका स्थान कड़ा है, वो कड़ा रहता है। क्यों उदाहरण देने लगी, कैलाश के ऊपर, कैलाश के ऊपर रगर जिसका जड़ आनंद बारा मास रहे। ऋषि महात्मा डोए जासे मिलता नहीं तलाश रहे। एक बड़का पेटा शिव जी के घर जड़ सभी देवता वास करे। वही बैठ के रचे सरस्वती और वही बैठ के नाश करे। बीच में बह गंगा रे, जित पन धन चौरासी का। शिवजी के कर जड़े सभी देव सावास करे, वहीं बैठ कर रचे सृष्टि और वहीं बैठ के नाश करे। जटा बीच में बह गंगा जड़े बंधन चौरासी का, बह बंजन शिव अलख निरंजन खटका से विनाशी का। बताते हैं सजनों, जब ब्राह्मण और नाई पार्वती के योग्य पार्वती के योग्य वर ढूंढ रहे थे तो विष्णु भगवान के पास जाकर सतलोक में गए थे। वहां विष्णु भगवान ने इनकार कर दिया, बोलन लगी पार्वती की आप सतलोक भी गए, कई देवताओं के पास गए, लेकिन सबसे बढ़िया जगह वो कैलाश भाई है। दूसरी कड़ी में केवली सतलोक से भी श्रेष्ठ है, सतलोक से भी श्रेष्ठ है। पावेंगे सब ठाठने गिरिराज पर्वत के ऊपर दिखेगा घर घाट तने। नाद बाजता सुनो नाद बाजता सुने दूर ते जागी मलम पाट तने। अष्ट वसु और पावन भैरू बैठे पाव साठ तने। सिद्धि बिसरे बीस आठवीं सिद्धि लावे जोड़ अठासी का।
श्रेष्ठ है उन्हें पावेंगे सब ठाट तने। गिरिराज पर्वत के ऊपर दिखे गागर घाट तने। नाद बाजता सुने दूर ते जागी मालम पाट तने। अष्टवसु और पावन भैरु बैठे पावे साठ तने। बीसवे बीस आठवीं सिद्धि लावे जोड़ अठासी का। भय भंजन शिव अलक निरंजन मन खटका सह विनाशी का। तीसरी कड़ी मैनू बोली कि भोले ते उल्हाना दे दिए कि जो तेरी सती थी पहले जन्म में वही उसने जन्म ले लिया है, उसने ब्याह कभी लेना है। तीसरी कड़ी में के बोली सिर के ऊपर तन सिर के ऊपर गंगा डाटी कब अपना प्रण निभावेगा। तेरी शक्ति ने जन्म ले लिया उस गिरजा ने कब ल्यावेगा। डमरू बजा के तू डमरू बजा के नाच दिखावे श्री राम कब गावेगा। वेदी ऊपर वेद धार के उस गिरजा ने कब ब्यावेगा। तेरे बिना मैं क्यों कर देखूं फिर नजारा काशी का। मैंने आपके बीच में तीन कड़िया इस रागनी की रखी। यदि कोई भी बात अच्छी लगी हो या प्रमाणिक लगी हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। सजनों हरियाणा के सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी उनके शिष्य हुए पंडित मांगे राम जी रागनी में निचोड़ कर लास्ट कड़ी में बहुत अच्छी बात लिखी सुनना के लिखा। जन्म ले लिया क्यों हांडे भगवा बाने टीका लेके चल्या आइए मैं जानू के तू जाने। जगत के श्यामी तू पर्दा कर रहा मेरे आगे मत ताने। लक्ष्मी चंद जमाना छड़का इतनी नानी मत छाने। मांगेराम ने वेद बताया उस शिव शंभू कैलाशी का।